बहुत नहीं देंगे, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राइस लोकेशन मॉलिंग प्रॉपर्टी, जो कि एक रेपेटेड फीचर ने बनाई है। मेरे पीछे आप समझ ही गए होंगे, ये पढ़कर तेज राज अलीविया, ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे बनी हुई है, बाटिर के पैन कार्ड क्लब रोड पे सिचुएटेड है। 38 फ्लोर्स के चार टावर आए गए होंगे, तो आइए चलिए देखते हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये 3 BHK का सैंपल फ्लैट है, और दरवाजे के पास जैसे आप देख रहे हो एक वीडियो डोर फोन है, जो कि आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसकी आप डोर की आप अगर हाइट देखोगे तो यूजुअली 7 फीट का हाइट रहता है, लेकिन एक जो प्राइम आप प्राइम प्रॉपर्टी रहती है या फिर प्राइम फ्लैट रहता है उसका अगर आप हाइट देखो तो ये 8 फीट का, मेरा एक हाइट 6 फीट का है, तो ये आप हाइट देख लो 8 फीट का हाइट है, तो ये कहीं ना कहीं रेपुटेड बिल्डर से। आइए एंटर करते हैं। अब ये सैंपल फ्लैट जो है यहाँ पे फर्नीचर इन्होंने कैसे एडजस्ट करना है, जैसे कि फ्लैट के साइज के हिसाब से फर्नीचर कैसे एडजस्ट करनी है ये इन्होंने दिखाया है, तो आप देख सकते हो हर एक पे इवन साइजेस भी लिखे हुए। तो जो फ्लैट का हॉल है ये हॉल का साइज आप देख सकते हो 21 feet 9 inches by 14 feet का है, तो लगभग आप समझ 22 feet by 14 feet का ये फ्लैट का साइज है। और यहाँ पे फर्नीचर कैसे एडजस्ट करनी है इन लोगों ने सैंपल बनाया होगा। हॉल को इन्होंने बालकनी दी है जो कि बहुत ही बड़ी बालकनी है, लगभग 11 फीट बाय 8 फीट की बालकनी है। अब हॉल के राइट साइड में आपको मिलेगा किचन और इसके लेफ्ट साइड में चिल्ड्रंस बेडरूम, या फिर आप इसको स्टडी रूम भी बोल सकते। तो इसका भी साइज अगर आप देखें तो काफी अच्छा साइज है, इस बेडरूम का जो साइज अगर आप देखोगे तो 10 feet by 13 feet 6 inches का, मतलब 14 by 10 feet का ये बेडरूम है। और अगर आप विंडो देख रहे हो तो ऐसा ही विंडो आपको एक्चुअल फ्लैट में मिलेगा, जो कि लाइट के लिए और वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छा रहता है। अगर ये विंडो की साइज आप देखें तो लगभग 8 फीट की इसकी हाइट है और लगभग 8 by 8 feet का ये साइज है लगभग। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये हॉल और इसके साथ में डाइनिंग एरिया, तो डाइनिंग एरिया के ठीक साइड में ये किचन है, तो आइए हम किचन देखते हैं। अब तो इस किचन की जो खासियत है, तो नॉर्मली आपने देखा रहेगा जो कोई भी बिल्डर आपको ब्लैक ग्रेनाइट देता है, तो यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है इंजीनियरिंग स्टोन। ये इंजीनियरिंग स्टोन की खासियत है इस पे कभी स्क्रैच नहीं होते ना ही इस पे दाग पड़ते हैं, और इसके राइट साइड में आप देख रहे हो आप इसको बोल सकते हो ड्राई बालकनी या फिर यूटिलिटी, जो कि काफी बड़ी है। यहाँ पे दोनों साइड में आपको कनेक्शन दिए गए हैं, जाके एक साइड में आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो और एक साइड डिश वॉशर रख सकते हो। अब हॉल के और मास्टर बेडरूम के बीच में है कॉमन टॉयलेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉमन टॉयलेट है और ये और इस बेडरूम है, या पेरेंट्स बेडरूम भी बोल सकते हो आप इसको। ये पेरेंट्स बेडरूम है, आप इसका साइज देखोगे तो 11 feet by 13.5 feet का ये बेडरूम है, बहुत बहुत ही बड़ा बेडरूम है, और इसको भी सेम विंडो है, इतना ही बड़ा इसको विंडो रहेगा। अब इसको भी विंडो आप देखिए 8 feet by 8 feet का इतना बड़ा विंडो रहेगा, जो कि लाइट और वेंटिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, और साथ में ही अटैच टॉयलेट बाथरूम।
मास्टर बेडरूम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेडरूम आप ज्यादा टाइम आप यहीं पे स्पेंड करते हो। ये देखिए कितना बड़ा बेड मास्टर बेडरूम है, ये 14.5 feet by 11 feet का है मास्टर बेडरूम। तो ये था 3 BHK सैंपल फ्लैट का वॉक थ्रू। अब आइए जानते हैं इसके एमिनिटीज के बारे में। तो लगभग 32 प्लस एमिनिटीज है, जो कि उसके मेन मेन एमिनिटीज अगर मैं आपको बताने जाऊं तो स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, वर्क एट होम प्लेस फैसिलिटी, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, बार काउंटर, साथ ही साथ में थिएटर, छोटे मोटे पार्टीज के लिए जगह, ये सब एमिनिटीज है। अगर ज्यादा जानकारी आपको लेनी है या फिर प्राइस के बारे में आपको पता करना है तो प्लीज नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, और विजिट अगर करनी है तो कांटेक्ट करके हम आपका विजिट प्लान कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं।